global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. कोरोना वायरस के चलते पिछले कई दिनों से भारत देश को लॉकडाउन कर दिया गया है और फिर जद्दोजहद हुई। कई संस्थाएं भी आगे आई और जरूरतमंदों को राशन से लेकर अन्य खाद्य पदार्थ पहुंचाया जाने लगा है, पर आज भी कई घर जिनमें 6 से 7 परिवारों के लोग रहते हैं उन्हें आज तक राशन तो क्या चावल का एक कण भी नहीं मिला। मुंबई से सटे नालासोपारा के अछूत डोंगरी पर गरीब 30 परिवार वालों को राशन नहीं मिल रहा है, भूखे मरने की अवस्था और स्थानीय परिवार वालों ने सरकार सीएम उद्धव ठाकरे पीएम मोदी से की गुहार खास। जिनके पास राशन नहीं है, अनाज नहीं है, मैं चाहता हूं कि इनको राशन दिया जाए। जिस तरह के बताया गया है कि जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उसको भी राशन दिया जा रहा है, जिसके पास राशन कार्ड है उसको भी दिया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इन लोगों का कोई गुनाह है और कोई गुनाह किया है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इन लोगों को भी राशन दिया जाए और इनको भी घर में अनाज दिया जाए। जय हिंद। एक विजुअल बनाने का बना। क्या समस्या है? समस्या ये है कि यहाँ से यहाँ उस साइड में नाला सुपारा सिटी में, हम लोग इधर नाला सुपारा ईस्ट में, पालघर जिला है हमारा, इधर 2-3 बार राशन बढ़ जाए लेकिन इधर यहाँ 20-30 रूम वाले को एक भी राशन नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है, बल्कि एक बार पूछते भी नहीं हम लोग को, इधर के नगर सेवक का भी नहीं पूछते, ना बीजेपी वाले, ना सिटी वाले, ना शिवसेना वाले, बहुत परेशान है ये सब। देखो इतने परेशान है, इतने दिन से सब घर बैठे हुए हैं ये लोग, ये लेडीज़ लोग भी काम करती है, अपना घर चलाती है, लेकिन ये लोग है ना इतने परेशान है, वो दिन से काम धंधा सब बंद है इन लोगों का, लेकिन इधर कोई नहीं पूछता है। और हर जगह देखो 3-3, 4-4 बार उधर राशन बांट चुका है लेकिन इधर एक बार भी नहीं आया है। इसका पब्लिक इतनी परेशान है, हम लोग भी इतने परेशान है, घर बैठ के सब पब्लिक इतनी परेशान हो। यहाँ का स्थानीय नगर सेवक कौन है? यहाँ का तो मैंने तो सिटी वाले है। क्या उनसे कुछ मदद वगैरह ऐसा कुछ? कुछ भी नहीं अभी तक यहाँ तक कोई मदद। आपने किसी से जाके बात की राशन कार्ड वाले से, राशन वाले से या नगर सेवक से, एमएलए से कुछ? जब भी इधर राशन बांटने के लिए आते हैं ना तो वो नीचे बांट के चले जाते हैं और इधर नाम के हिसाब से, मतलब यहाँ पे भेदभाव चल रहा है, भेदभाव कर रहे हैं ये लोग। हम लोग लिस्ट में लिखे ऐसे बोलते उनको ही देंगे ऐसे बोलते, और वहाँ पे तीन तीन बार राशन बांट चुका है, ये एक बार भी इधर नहीं आया। आपके हाथ में जो बुक है जिसमें लिस्ट है, इसमें कितने लोगों का नाम है? इधर ये कमी है, 30 लोगों का नाम है इसमें, 30 लोगों का नाम है, इनको एक बार भी नहीं मिला है, एक बार भी। जब भी हम नीचे जाते हैं हम लोग को भगा देते हैं यहाँ से, कि बोलते हम लोग बांट चुके हैं, हो गया खत्म हमारे पास, ऐसे बोलते हैं। और कितने लोग रहते हैं? एक परिवार में कोई 7 लोग रहते हैं, कोई 5 है, कोई 3 है, कोई 9-9 है, 9 लोग है जिनमें 3-3 लोग कमाने वाले, वो तीनों घर पे बैठे हुए है। चलो आप हमारे माध्यम से गृह मंत्री को, मुख्यमंत्री को और पीएम को क्या संदेश देना चाहते हो? यही देना चाहते कि मोदी जी बोलते हैं ना एक परिवार भी नहीं भूखा रहना चाहिए, लेकिन ये बोल रहे हैं देखो इतना परिवार भूखा है, 25-30 रूम है, उसमें सोचो कितने आदमी लोग, कितने बच्चे हैं जो घर पे भूखे रह रहे हैं, कितने कितने लेडीज लोग संभालती है, कंपनियों में काम करती थी जो सब बैठी हुई है घर पे, ये सब कंपनियों में काम करने वाली है, कोई घर में माल लेके काम कर आती है, काम करती है, घर चलाती है अपना, तो सब घर पे बैठी हुई है, लेकिन किसी ने भी इधर हमारी तरफ ध्यान देने के लिए भेदभाव करते हैं। जो भी राशन आता है ना सरकार की तरफ से, इधर बीच में बांट के भेदभाव करते हैं ये लोग हमारे साथ में, इसको दे लोग, हमें समझ में नहीं आता है कि यह हमारे साथ भी क्यों भेदभाव करे जा रहे हैं। हम लोग की तरफ कोई देखना ही नहीं चाहता ना, हमारी तरफ पानी की परेशानी है, हम लोग की तरफ खाने पीने की सब परेशानी, काम धंधा सब घर पे बैठे हैं, सब 4-4, 5-5 उनके घर के काम करने वाले 2-2, 3-3 जने वो सब के सब घर बैठे, उनके साथ 4-4, 5-5 बच्चे भी है। शिवसेना वालों का छोटा ऑफिस है जिसमें लेडीजों को, प्रेग्नेंट औरत है और जो डिलीवरी औरत है उनको राशन मिलता है, लेकिन वो भी नहीं अभी तक आया,
जब से लॉकडाउन हुआ है तब से अभी एक बार भी नहीं आया है। हम लोग इंतजार करें कि शायद शिवसेना वाले हमारी मदद करें, क्योंकि यहाँ पे शिवसेना वालों की ऑफिस है, यहाँ पे एक बार भी नहीं आया अभी तक, कोई भी नहीं ये करना चाहते। और कोई बोलेगा तो अपने बारे में। मेरा नाम ज्योति गौड़ है और मैं ये डोंगर पे रहती हूँ, पटकल पारा जो छोले डोंगर है। यहाँ पे वैसे भी यहाँ पे पता है जो काम हुए वो तो बंद हो गए हैं, जिसके वजह से खाने की प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो रही हैं, और इसलिए हम बस ये गुजारिश करना चाहेंगे कि यहाँ पे खाने की बंदोबस्त की जाए, क्योंकि यहाँ पे पैसे तो घर पे आ नहीं रहे, उल्टा हमारे यहाँ से जा रहे हैं, और वैसे भी कमाने वाला कोई है नहीं, और हमारे घर में भी कितने 6 लोग हैं, बस कमाने वाली मम्मी है, पर उनका भी जॉब बंद हो गया है, जिसके वजह से खाने की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और पैसे भी घर में उतने बचे नहीं हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर मैं हम लोग बैठे हैं इतने दिन से जब से बंदी हुआ है, और कमाने वाला अकेला हूँ, 6-6 आदमी का खर्चा है मेरे ऊपर, कुछ पैसे भी नहीं है, कुछ आ भी नहीं रहे, बैठे हैं यहाँ। आप क्या चाहते हो सरकार से? सरकार से हमारे पास राशन कार्ड नहीं है, तो कम से कम थोड़ा बहुत राशन मिलना चाहिए, यहाँ तो मिल ही नहीं रहे हैं, नीचे बांट देते हैं, परेशान है। यही आदर्श नगर पटकलपाड़ा। पूरा नाम बताओ। राजेश सिंह, आदर्श नगर पटकलपाड़ा। राजेंद्र यादव, पिताजी का नाम भुवनेश्वर यादव, मैं रहने वाला हूँ बिहार का। दूसरी बात, मैं यहाँ पे, जी हाँ यहाँ पे रहता हूँ, आदर्श नगर पटकलपाड़ा अचोला डोंगरी। और समस्या बताओ। जी समस्या बताओ। समस्या ये है सर, इधर खाने के लिए थोड़ा तकलीफ है, और दूसरी बात है हर चीज का समस्या यहाँ पे, और खाने के लिए, पानी के लिए, हर चीज का है समस्या। नहीं खाना मिलता है? मिला क्या अभी तक? जी नहीं मिला। राशन की क्या समस्या हो? राशन भी नहीं मिल रहा है। तो आप क्या बोलना चाहो जनता से? जनता से ही मांगता हूँ राशन, कम से कम खाने के लिए तो मिले, कम से कम खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है, ये बात है। अच्छा, यहाँ का नगर सेवक एमएलए से कोई मदद मिली है? अभी तक तो सर नहीं मिली है। चलो ठीक है। मुंबई रफ्तार न्यूज की खबरें पसंद आने पर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।